हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो को फिर से लेकर आ गया हूँ। गाइस आज मैं आपके लिए एक ऐसे वीडियो को लेकर आ गया हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप कैसे टिकटॉक पर अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि यार होता क्या है कि अगर आपको लाइव का परमिशन चाहिए तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 16 या 16 से ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए कई लोगों को टिकटॉक पर यहाँ पे लाइव का परमिशन नहीं मिल पाता। क्योंकि यार होता क्या है कि जब हम टिकटॉक आईडी शुरू शुरू में ओपन करते हैं तो उस टाइम हमें साइन अप करने के लिए कहा जाता है, और उस टाइम क्या होता है कुछ लोग तो डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे गलत डाल देते हैं और वहाँ से जाकर साइन अप कर लेते हैं जल्दी से, तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको बाद में। क्योंकि होता क्या है कि आपको लाइव का परमिशन तभी आपको मिलता है जब आपकी एज 16 या 16 से ज़्यादा होगी। तो अगर आपकी उम्र 16 या 16 से ज़्यादा होती है तभी आपको यहाँ पे टिकटॉक आपको लाइव दे पाएगा, और इसी प्रॉब्लम की वजह से बहुत से लोगों को लाइव नहीं मिल पाता और उनको ये नहीं पता होता कि हमने गलती कहाँ पे करी है। तो अगर आपको बाद में अगर आपको डेट ऑफ बर्थ अगर आपको चेंज करना है, चाहे किसी भी रीज़न से अगर आपको चेंज करना हो डेट ऑफ बर्थ, तो वही आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे बहुत ही आसानी से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए आपको कोई नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप अभी जो आईडी यूज़ कर रहे हैं आप उसी में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट आप जान लेते हैं कि आप किस तरह से यहाँ पे चेंज करेंगे। तो इसके लिए यार सबसे पहले यहाँ पे टिकटॉक ऐप को यहाँ से ओपन कर लीजिए, फिर इसके बाद आप यहाँ पे मी वाले पे क्लिक करिए और यहाँ से आपका आईडी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ चेंज करने से पहले आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जब आपने अकाउंट बनाया था तो टिकटॉक आईडी, तो उस टाइम आपने या तो मोबाइल नंबर से बनाया होगा या फिर आपने ईमेल आईडी का यूज़ करके आपने टिकटॉक आईडी बनाया होगा। तो अगर आपने मोबाइल नंबर से बनाया है तो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, या फिर अगर आपने ईमेल आईडी से बनाया है तो आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि आपने टिकटॉक आईडी जब बनाया था तो उस टाइम कौन सा मोबाइल नंबर डाला था या फिर कौन सा ईमेल आईडी हमने यूज़ करा था, तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। आपको सिंपल से करना क्या है, यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको मैनेज माई अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर दिखेगा और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी दिखेगा। अगर आपने ईमेल आईडी ऐड करा होगा तो यहाँ पर आपको वो भी शो हो जाएगा। तो आपने जिस नंबर से या फिर जिस ईमेल आईडी से आपने बनाया होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पर एक बार जान लीजिए कि आपको यहाँ पे पूरा फ़ोन नंबर आपको नहीं दिखेगा और ना ही आपको यहाँ पे पूरा ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। आपको बस यहाँ पे हिंट के लिए यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर के लास्ट के 3 डिजिट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं और इसे आप पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा फ़ोन नंबर आपने यूज करा था। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको ये पता लग जाता है कि आपने कौन सा फ़ोन नंबर या फिर कौन सा ईमेल आईडी आपने यूज़ करा है, फिर इसके बाद ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो आपके पास वो फ़ोन नंबर या फिर वो ईमेल आईडी आपके पास होनी भी चाहिए, यानी कि अभी होनी चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी से आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ आपको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड अकाउंट करना होगा, तो इसके लिए आप चाहे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर, या फिर आपको यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट वाला आपको सिलेक्ट करना है यूज़ फ़ोन और ईमेल। आप इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप बर्थडे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए जो अभी आप यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो भी आप चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ये एरो जो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक तो फ़ोन नंबर का और एक ईमेल का। तो अगर आपने ईमेल आईडी से अगर आपने बनाया था टिकटॉक आईडी तो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे, या फिर आप अगर आपने फ़ोन नंबर से बनाया था तो यहाँ पर आप फ़ोन नंबर डालेंगे। चलिए यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर से मैं बनाया था टिकटॉक आईडी तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे एरो जो आपको दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक कोड जाता है आपके मोबाइल नंबर पर, तो वो कोड आपको यहाँ पर डालना होता है। तो ये तो ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया है क्योंकि मेरा ये सिम स्लॉट इसी में था। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर टिक पर क्लिक करना होता है। जैसे आप यहाँ पर टिक पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से वो आईडी खुल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका चेंज हो जाता है। चलिए यहाँ पर मैं मी पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेरा पहले वाला आईडी वापसी आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यार यही एक तरीका है डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से यहाँ पे बहुत ही आसानी से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ओवर पर क्लिक करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो को आपके लिए लेकर आते रहता हूँ।